इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। हम लोग अब समझेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म या टाइप में होते हैं। जैसे सबसे कॉमन एग्जांपल में देख सकते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी, न्यूक्लियर पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अब हम लोग समझेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है, कैसे इसको डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हर पोटेंशियल एनर्जी की तरह यह भी एक पोटेंशियल एनर्जी ही है, और कोई भी पोटेंशियल एनर्जी हम लोग डिफाइन करते हैं किसी सिस्टम के लिए, किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स या सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए। उसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को भी डिफाइन करेंगे फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सिस्टम ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स और सिस्टम ऑफ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स। तो किसी भी सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ इंटरनल फोर्सेस, इन टर्म्स ऑफ वर्क डन बाई इंटरनल फोर्सेस। उसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को भी डिफाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल्स और ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सिस्टम। तो अब समझते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस। मान लेते हैं कि कोई सिस्टम है जिसमें दो चार्ज है Q1 एंड Q2, और दोनों चार्ज पार्टिकल को मिलाकर मान लिया एक सिस्टम। तो किसी भी पार्टिकल के कॉम्बिनेशन को अगर सिस्टम बोलते हैं तो इसका मतलब है कि उसके बीच में लगने वाला फोर्स होगा इंटरनल फोर्स। तो जो अगर मान लेते हैं कि दोनों का साइन प्लस है तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स इस तरह से एग्जर्ट करेगा इन अकॉर्डेंस विथ न्यूटन्स थर्ड लॉ। दोनों एक दूसरे पर फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन एग्जर्ट करेगा न्यूटन्स के तीसरे नियम के अनुसार, और ये फोर्स होगा इंटरनल फोर्स। ड्यू टू फोर्स अगर ये चार्ज पार्टिकल मूव करना शुरू कर दे तो हम बोलेंगे कि इसका स्पीड बढ़ेगा, क्योंकि फोर्स के डायरेक्शन में अगर मूव करेगा तो स्पीड बढ़ेगा, और जब स्पीड बढ़ेगा तो इसका भी स्पीड बढ़ेगा और सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। लेकिन सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी बढ़ तो रहा है लेकिन इसको बाहर से कोई एनर्जी सप्लाई नहीं हो रहा है। तो सिस्टम का जो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहा है वो कहीं ना कहीं सिस्टम के अंदर कोई दूसरी तरह का एनर्जी होगा जो कन्वर्ट हो रहा होगा। तो सिस्टम के अंदर जो उस तरह का एनर्जी स्टोर्ड है उस एनर्जी को हम लोग बोल रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी, और चार्ज पार्टिकल के सिस्टम के लिए हम उस पोटेंशियल एनर्जी को नाम देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर ये इंटरनल फोर्स वर्क करता है तो वर्क करने के लिए किसी भी सिस्टम को चाहिए एनर्जी। तो वर्क करने के लिए सिस्टम को एनर्जी चाहिए। अगर मान लिए कि सिस्टम वर्क किया W, तो सिस्टम का जो इंटरनल फोर्स है जो W वर्क करेगा तो उतना ही एनर्जी ये सिस्टम से कंज्यूम करेगा, क्योंकि सिस्टम को बाहर से एनर्जी तो नहीं मिल रहा है। तो सिस्टम के इंटरनल फोर्स को वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी वो लेगा सिस्टम में, सिस्टम में जो पहले से स्टोर्ड है उस एनर्जी को यूज करेगा, कंज्यूम करेगा। तो कहीं ना कहीं सिस्टम का जो स्टोर्ड एनर्जी है वो डिक्रीज करेगा,
तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो इंटरनल फोर्स जितना वर्क करेगा उतना ही सिस्टम का इंटरनल स्टोर्ड एनर्जी यानी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा। तो हम यहाँ पर जैसे किसी भी पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस ऑफ द सिस्टम विल बी इक्वल टू डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे माइनस डेल्टा यू, माइनस यानी डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, किसी भी चेंज के आगे माइनस साइन है मतलब वो चेंज निगेटिव यानी डिक्रीमेंट डिक्रीज हो रहा है। तो सिस्टम का जो इंटरनल फोर्स वर्क करेगा तो सिस्टम को वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए, वो सिस्टम का एनर्जी को यूज करेगा तो सिस्टम का एनर्जी डिक्रीज होगा यानी कि वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स विल बी इक्वल टू डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो उसी तरह से हम बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस, यहाँ पर इंटरनल फोर्स क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, जो पार्टिकल के बीच में फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस है। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हैं बाद में जब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अ सिस्टम विल बी इक्वल टू डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी यूज कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो किसी भी सिस्टम का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग इस तरह से डिफाइन करेंगे कि वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस ऑफ द सिस्टम यानी कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम विल बी इक्वल टू डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम will be equal to decrease in electrostatic potential energy of the system। जैसे अगर electrostatic force जो दोनों particle या system के particle के बीच में लग रहा है, अगर वो electrostatic force 100 joule work करेगा तो system का potential energy 100 joule से घट जाएगा, decrease करेगा, यानी कि work done by internal electrostatic forces will be equal to decrease in potential energy ऑफ द सिस्टम। तो मेन कॉन्सेप्ट यह है कि जिस तरह से हम किसी पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं सिस्टम के लिए, उसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को भी डिफाइन करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं हम लोग किसी भी चार्ज पार्टिकल वाले सिस्टम के लिए या चार्ज बॉडीज वाले सिस्टम के लिए, और इसको डिफाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स और चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ टू चार्ज पार्टिकल्स, देखते हैं कि इसका वैल्यू कितना होगा। हम लोग सबसे पहले ये देख लें कि किसी भी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया जा सकता। हम लोग किसी भी सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी का एग्जैक्ट और एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं बता सकते। हम लोग जब भी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे तो वो बात करेंगे बाय टेकिंग सम रेफरेंस लेवल और इन टर्म्स ऑफ चेंज। तो हम पहले मान लेते हैं कि दो चार्ज पार्टिकल Q1 और Q2 सेपरेटेड है बाय डिस्टेंस r। इन दोनों चार्ज पार्टिकल को मिलाकर मान लिए सिस्टम, तो इस सिस्टम का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा Q1 Q2 बाय डिस्टेंस r। तो इस पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू जो लिया गया वो कोई रेफरेंस लेवल लेकर के ही बताया जा सकता है। यहाँ पर रेफरेंस लिया गया है इनफाइनाइट सेपरेशन। जनरली हम लोग रेफरेंस पर पोटेंशियल एनर्जी मानते हैं जीरो। यहाँ भी देख सकते हैं कि अगर आर का वैल्यू पुट कर दें इन्फिनिटी तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू हो जाएगा जीरो, यानी कि रेफरेंस लिया गया है इनफाइनाइट सेपरेशन। अगर दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाए तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी जीरो। लेकिन अगर
हम ये मान लें कि इनफाइनाइट सेपरेशन पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं हो करके कोई भी वैल्यू, जैसे मान लेते हैं x, तो r डिस्टेंस पर वैल्यू हो जाएगा इतना प्लस x। अगर इनफाइनाइट सेपरेशन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो के जगह पर x मान लें तो r डिस्टेंस से पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा इतना प्लस x। अगर x के जगह पर हम जीरो पुट करें तो पोटेंशियल एनर्जी r डिस्टेंस पर हो जाएगा k q1 q2 by r। जनरली हम लोग इसी फॉर्मूला को यूज करते हैं। तो इस फॉर्मूला का मीनिंग ये हुआ कि अगर दो चार्ज पार्टिकल जिसके बीच में डिस्टेंस है इनफाइनाइट, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। अगर दोनों के बीच के डिस्टेंस को कम करके r कर दिया जाए तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो से बढ़ के हो जाएगा के क्यू वन क्यू टू बाई आर। यानी कि इनफाइनाइट डिस्टेंस से चार्ज पार्टिकल को r डिस्टेंस पे लाया जाए तो पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट होगा के क्यू वन क्यू टू बाई आर। तो ये फॉर्मूला वैलिड है ओनली फॉर चार्ज पार्टिकल। किसी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट जैसे रॉड, रिंग, डिस्क के पोटेंशियल एनर्जी को निकालने के लिए हम लोगों को यूज करना होगा इंटीग्रेशन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करेंगे किसी सिस्टम के लिए, उसको कुछ एग्जांपल्स समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पर है Q और दूसरा चार्ज पार्टिकल है माइनस टू क्यू और डिस्टेंस है दोनों के बीच में a, तो इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी होगा के क्यू वन क्यू टू बाई डिस्टेंस a, और इसमें डिफरेंस लेवल लिया गया है इनफाइनाइट सेपरेशन, यानी कि इनफाइनाइट सेपरेशन पे पोटेंशियल एनर्जी को माना गया है जीरो। अगर मान लेते हैं कि कुछ चार्ज पार्टिकल इस तरह से है, चार्ज q, यहाँ पर चार्ज है 2q, कोई चार्ज है 3q और सभी चार्ज पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस इस तरह से है, डिस्टेंस है ये a, फिर इसके बीच में भी डिस्टेंस है a, तो पूरे तीनों चार्ज का जो सिस्टम है उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ थ्री चार्ज पार्टिकल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हर दो चार्ज पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे q और 2q के बीच का पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चार्ज q एंड 2q होगा k q1 q2 बाय डिस्टेंस a प्लस 2q और 3q के चलते पोटेंशियल एनर्जी k 2q इंटू 3q बाय डिस्टेंस a प्लस q और 3q के चलते एनर्जी, तो k q इंटू 3q बाय डिस्टेंस 2a। तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अगर दो से ज्यादा चार्ज पार्टिकल है तो हर दो चार्ज के कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो q और 2q, 2q और 3q और 3q और q के बीच का पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह से अगर कुछ चार्ज ऐसे हैं, मान लेते हैं कि तीन चार्ज पार्टिकल किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पर रखा हुआ है, एक चार्ज है q, दूसरा चार्ज माइनस टू क्यू, तीसरा चार्ज 3q और साइड ऑफ द ट्रायंगल है a, तो इस तीनों चार्ज पार्टिकल के सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होगा q और 2q, माइनस 2q के बीच में, माइनस 2q और 3q के बीच में, 3q और q के बीच में, हर दो दो चार्ज के बीच का पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू q और माइनस 2q होगा k q माइनस 2q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस a, फिर माइनस 2q और 3q के चलते हैं, तो प्लस k माइनस 2q इंटू 3q बाय डिस्टेंस a प्लस 3q और q के बीच में पोटेंशियल एनर्जी, तो k q इंटू 3q बाय डिस्टेंस a।
और कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। तो इस तरह से कुछ चार्ज पार्टिकल अगर दो या दो से ज़्यादा चार्ज पार्टिकल है तो हम लोग हमेशा दो दो चार्ज पार्टिकल का जो कॉम्बिनेशन बनेगा, सभी कॉम्बिनेशन के पोटेंशियल एनर्जी का सम होगा टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब अगर मान लेते हैं कि कुछ चार्ज पार्टिकल इस तरह से है कि चार पार्टिकल है और चारों पार्टिकल किसी स्क्वायर के कॉर्नर पे रखा हुआ है। एक चार्ज पार्टिकल है Q, दूसरा चार्ज पार्टिकल मान लेते हैं 2Q, तीसरा चार्ज पार्टिकल यहाँ पर है इसको मान लेते हैं 3Q, और इस चार्ज पार्टिकल जो यहाँ पर है उसको मान लिए -4Q, और साइड ऑफ द स्क्वायर इज A। तो कैलकुलेट करना है चारों पार्टिकल का जो सिस्टम है, इस सिस्टम का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल जी हर दो चार्ज पार्टिकल के चलते होगा, तो कितना कॉम्बिनेशन बन सकता है Q और 2Q के बीच का पोटेंशियल जी, 2Q और 3Q के चलते पोटेंशियल जी, 3Q और -4Q, -4Q और Q, इस तरह से कॉम्बिनेशन हो गया, प्लस Q और 3Q, 2Q और -4Q के चलते पोटेंशियल एनर्जी। तो देखते हैं कितना होगा। तो सबसे पहले Q और 2Q के चलते, तो K Q 2Q by distance A plus 2Q और 3Q, तो K 2Q into 3Q by distance A, फिर 3Q और -4Q, तो plus K 3Q into -4Q by distance A, फिर -4Q और Q plus K minus 4Q into Q by distance A, फिर Q और 2Q plus K, KQ, Q और 2Q का तो एनर्जी लिख चुके हैं, तो ये हो गया। इसके बाद बचा कॉम्बिनेशन Q और 3Q, तो plus K Q 3Q by distance A root 2, यहाँ डिस्टेंस दोनों के बीच में हो जाएगा A root 2, इस तरह से 2Q और -4Q, तो प्लस K 2Q into -4Q by distance A root 2। तो टोटल पोटेंशियल की अब तो सिस्टम कितना हो जाएगा, K Q Q by distance A और into 2 plus 6 minus 12 minus 4 plus 3 minus 8, तो हो जाएगा -5, तो -5 बाई रूट 2, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगा के क्यू क्यू बाई ए और इन टू 8 माइनस 16 माइनस 8 -5 बाई रूट 2। तो पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी इतना हो गया। इस तरह से ध्यान रखेंगे कि अगर दो से ज़्यादा चार्ज पार्टिकल है तो हर दो चार्ज पार्टिकल का जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसका पोटेंशियल एनर्जी का सम पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी होगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल चार पार्टिकल है और कितना तरह से हम दो दो चार्ज पार्टिकल का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, कितने तरह से दो चार्ज पार्टिकल को इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ सिलेक्शंस ऑफ टू पार्टिकल्स आउट ऑफ फोर पार्टिकल्स होगा 4C2, यानी कि इसका वैल्यू 6 आएगा। देखते हैं, फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 2 इनटू फैक्टोरियल 4 माइनस 2 2, ये हो जाएगा 6। और यहां भी देख सकते हैं कि टोटल कितना टर्म है, 6 टर्म है। अगर पांच पार्टिकल होता, अगर पांच पार्टिकल किसी पेंटागन के कॉर्नर पे होता तो पोटेंशियल एनर्जी का कितना टर्म आता, तो उसका आंसर होता 5C2, क्योंकि पांच पार्टिकल है और हम दो पार्टिकल का सिलेक्शन करना है, हर दो के बीच में पोटेंशियल एनर्जी का कॉम्बिनेशन देखना है, तो नंबर ऑफ टर्म्स होगा
यानी कि नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ फोर ऑब्जेक्ट्स होगा 5C2। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, कभी भी हम पोटेंशियल एनर्जी में चेंज यानी डेल्टा लगाएंगे, डेल्टा यू यानी चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और इसका वैल्यू हमेशा होगा फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। जैसे अगर मान लेते हैं कि एक चार्ज पार्टिकल है क्यू और एक चार्ज पार्टिकल है 2q और डिस्टेंस है a, तो इस समय इसका पोटेंशियल एनर्जी मान सकते हैं kq इंटू 2q बाई डिस्टेंस a। अगर डिस्टेंस को हम डबल कर दें या ट्रिपल मान लेते हैं कर दिए, a से डिस्टेंस को अगर 3a कर दिया गया तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना होगा, तो इस समय इसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा kq1 q2 by distance r, इस तरह से। तो इनिशियल पोटेंशियल जितना था फाइनल पोटेंशियल जितना हो गया, तो हम बोल सकते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा kq इंटू 2 by 3 माइनस इनिशियल 2kqq बाई a, यानी कि 2/3 माइनस 2 और kq² बाई a, यानी कि माइनस 4/3 kq² बाई a। तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी में जब भी चेंज निकालना होगा तो उसके लिए कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, या किसी भी क्वांटिटी में चेंज का मतलब होता है फाइनल क्वांटिटी माइनस इनिशियल क्वांटिटी। अब देखते हैं किसी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि तीन चार्ज पार्टिकल इक्विलैटरल ट्राइंगल के कॉर्नर पर रखा हुआ है, एक चार्ज पार्टिकल है क्यू, दूसरा चार्ज पार्टिकल है 2q, तीसरा चार्ज पार्टिकल है 3q और साइड ऑफ द ट्राइंगल है a, साइड ऑफ द ट्राइंगल है a। तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, तो पहले क्यू और 2q दो दो करके एनर्जी निकालना है, हर दो चार्ज पार्टिकल की एनर्जी लिखती जानी है, तो क्यू और 2q की एनर्जी, तो kq 2q बाय डिस्टेंस a, दोनों बीच में डिस्टेंस है, फिर 2q और 3q की एनर्जी, तो प्लस k 2q 3q बाय डिस्टेंस a, प्लस 3q और q की एनर्जी kq 3q बाय डिस्टेंस a, ये हो जाएगा 2+6 8+3 11, 11kq q² by a। तो यह है सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी जब सेपरेशन a है। अगर इसमें सेपरेशन को हम डबल कर दें, चार्ज पार्टिकल के बीच में सेपरेशन को डबल कर दिया जाए, यानी कि सेपरेशन a से बढ़ के अगर 2a हो जाए, तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो जाएगा। तो अगर हम मान लेते हैं कि सेपरेशन को डबल कर दिया गया, यहाँ पे चार्ज है 2q, चार्ज 3q और चार्ज q, तो सिस्टम का इनिशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी था इतना, और जब सेपरेशन को डबल कर देंगे तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, जहां भी ये था उससे यहाँ पर हो जाएगा 2a। तो यहाँ पर फाइनल रिजल्ट डायरेक्ट लिख सकते हैं 11kq² बाय डिस्टेंस a के यहाँ पर हो गया है 2a।
तो फाइनल पोटेंशियल इतना हो गया। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना होगा, डेल्टा यू। अगर चार्ज पार्टिकल के बीच सेपरेशन को हम डबल कर दे रहे हैं तो चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तो किसी भी चीज में चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यानी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल कितना था, तो 11 के क्यू स्क्वायर बाय 2a माइनस इनिशियल 11 के क्यू स्क्वायर बाय a, ये वैल्यू हो जाएगा माइनस 11 बाई 2 के क्यू स्क्वायर बाई ए। तो यहाँ देख सकते हैं कि चेंज निगेटिव है। किसी भी चीज में चेंज निगेटिव होने का मतलब क्या है, उसका डिक्रीज होना। तो यहाँ सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुआ। अब हम लोग देखते हैं कि किसी सिस्टम के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम जिस तरह से है उसी कॉन्सेप्ट को डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। वर्क एनर्जी थ्योरम के अनुसार हम लोग जानते हैं कि वर्क डन बाय All external forces on a system will be equal to change in potential energy plus change in kinetic energy. तो इस थ्योरम को डायरेक्टली हम अप्लाई कर सकते हैं किसी भी चार्ज पार्टिकल वाले सिस्टम के लिए। Work done by all external forces on a system will be equal to total चेंज इन टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। टोटल एनर्जी बोलने का मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो अब समझते हैं कि एग्जांपल से किसी सिस्टम पे कैसे अप्लाई करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। अगर मान लेते हैं कोई एक चार्ज पार्टिकल है माइनस क्यू और दूसरा चार्ज पार्टिकल है प्लस टू क्यू और सेपरेशन बिटवीन चार्जेज है ए, तो इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा के माइनस क्यू इंटू टू क्यू बाई डिस्टेंस ए। जो भी चार्ज का साइन होगा वो पुट करेंगे। अब अगर दोनों चार्ज के बीच में सेपरेशन को डबल कर दें तो माइनस क्यू और 2q के बीच में सेपरेशन को कर दिया गया 2a, तो अब इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा k माइनस क्यू 2q बाई डिस्टेंस 2a, यानी कि माइनस के क्यू स्क्वायर बाई डिस्टेंस a। और पहले एनर्जी था माइनस k क्यू स्क्वायर इंटू टू माइनस टू के क्यू स्क्वायर बाई ए। तो ये बोला जा सकता है कि सेपरेशन को डबल करने के लिए बाहर से कितना वर्क करना पड़ेगा। दोनों चार्ज के बीच में सेपरेशन को डबल करने के लिए इस सिस्टम पे बाहर से कितना वर्क करना पड़ेगा या कितना एनर्जी सप्लाई देना पड़ेगा। जैसे हम देख सकते हैं इसका वैल्यू अगर हम मान लेते हैं कि माइनस 20 है तो इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस 10, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डबल हो चुका है और निगेटिव में है। तो माइनस 20 से माइनस 10 हुआ, यानी कितना एनर्जी बढ़ा, तो प्लस 10 से एनर्जी बढ़ा। तो प्लस 10 से जो एनर्जी बढ़ा वो सिस्टम को बाहर से देना पड़ेगा, यानी बाहर से इस पे वर्क करना पड़ेगा। तो अगर इसमें सिंपली पूछा जाए कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स और एक्सटर्नल एजेंट कितना होगा दोनों के बीच सेपरेशन को डबल करने के लिए, तो अगर दोनों के बीच में सेपरेशन को डबल किया गया किसी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा
तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना होगा? तो हम सिंपली वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस विल बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल प्लस चेंज इन काइनेटिक। क्योंकि पार्टिकल को जस्ट सेपरेट किया गया है, कोई भी पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है, पहले भी दोनों पार्टिकल रेस्ट में था, तो यहाँ बोल सकते थे कि सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी पहले भी जीरो था और बाद में भी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी पहले भी जीरो था और बाद में भी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज जीरो है, तो केवल चेंज कौन सा यूज होगा? डेल्टा यू। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू डेल्टा यू, यानी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल एनर्जी है माइनस के क्यू स्क्वायर बाय ए, माइनस इनिशियल है माइनस टू के क्यू स्क्वायर बाय डिस्टेंस ए, यानी कि वैल्यू हो जाएगा प्लस के क्यू स्क्वायर बाय डिस्टेंस ए। तो इस एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि अगर इस चार्ज पार्टिकल के बीच में सेपरेशन को डबल किया गया, तो सेपरेशन को डबल करने के लिए वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होगा प्लस के क्यू स्क्वायर बाई ए। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कि तीन चार्ज पार्टिकल है इक्विलैटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पे रखा हुआ, एक चार्ज Q, दूसरा चार्ज 2Q और तीसरा चार्ज 3Q। किसी एक को इसे माइनस करते हैं, मान लेते हैं माइनस है और साइड ऑफ द ट्रायंगल इज ए। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इस सिस्टम को कितना एनर्जी बाहर से दिया जाए कि सेपरेशन बिटवीन चार्जेज हो जाए डबल, या इस सिस्टम पे बाहर से कितना वर्क किया जाए किसी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा सभी चार्ज के बीच में सेपरेशन को डबल करने में कितना काम करना पड़ेगा। तो पहले हम निकालेंगे सिस्टम का इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो माइनस क्यू और टू क्यू की एनर्जी, तो के माइनस क्यू टू क्यू बाई डिस्टेंस बिटवीन देम ए। टू क्यू और थ्री क्यू की एनर्जी, तो प्लस के टू क्यू थ्री क्यू बाई डिस्टेंस ए। प्लस थ्री क्यू और माइनस क्यू की एनर्जी, तो के थ्री क्यू माइनस क्यू बाई डिस्टेंस ए। ये सब मिल कितना हो जाएगा? के क्यू क्यू बाई ए कॉमन लेंगे तो माइनस टू प्लस सिक्स माइनस थ्री, यानी कि के क्यू क्यू बाई ए माइनस टू प्लस सिक्स माइनस थ्री, कितना एनर्जी है। अब अगर ये बोला जाए कि दोनों हर दो चार्ज के बीच में या सभी चार्ज पार्टिकल के बीच में सेपरेशन को डबल कर दिया गया, यानी कि चार्ज पार्टिकल माइनस क्यू टू क्यू और थ्री क्यू के बीच में सेपरेशन को कर दिया गया, सभी के बीच सेपरेशन को कर दिया गया टू ए, तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी फाइनली हो जाएगा, एक जगह पर यहाँ पुट करेंगे टू ए, तो ये हो जाएगा के क्यू क्यू बाई डिस्टेंस टू ए। तो देख सकते हैं पहले पोटेंशियल एनर्जी प्लस था, बाद में पोटेंशियल एनर्जी प्लस है, लेकिन अब घट गया। अब इसमें अगर पूछा जाएगा कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना होगा सेपरेशन को डबल करने में, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, कोई एक्सटर्नल एजेंट सभी चार्ज पार्टिकल को एक दूसरे से दूर ले जाएगा और वैसा करने में कितना वर्क करना पड़ेगा, या फिर उस एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा कितना एनर्जी सिस्टम को दिया जाएगा। तो हर केस में हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करेंगे। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन ए सिस्टम इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा के।
केवल चार्ज पार्टिकल को असेंबल किया गया है, चार्ज पार्टिकल मूव नहीं किया, तो डेल्टा के जीरो है, क्योंकि अभी भी चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है, बाद में भी रेस्ट में है, तो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी दोनों समय रेस्ट जीरो है, तो चेंज जीरो है, तो केवल चेंज यहाँ पर निकालना होगा डेल्टा यू, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल पोटेंशियल के क्यू क्यू बाई टू ए माइनस के क्यू क्यू बाई ए इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल हो जाएगा माइनस के क्यू क्यू बाई टू ए। तो एक्सटर्नल एजेंट यहाँ पे वर्क करेगा निगेटिव, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इज माइनस के क्यू क्यू बाई टू ए। इसी को हम दूसरे तरह से कुछ क्वेश्चन बना सकते थे, इसमें ये भी पूछा सकता था कि अगर चार्ज पार्टिकल के बीच में सेपरेशन को डबल कर दिया गया तो वो डबल होने में सिस्टम का इंटरनल फोर्स कितना वर्क करेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन क्या है कि वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस इक्वल्स टू माइनस डेल्टा यू। ऐसे ही पूछा जा सकता था कि सेपरेशन को डबल कर दिया गया तो सिस्टम का इंटरनल फोर्स या आपस में लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना वर्क करेगा। तो किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी केस में हम ये अप्लाई कर सकते हैं सिस्टम के लिए, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स इक्वल्स टू माइनस डेल्टा यू, और माइनस डेल्टा यू का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो माइनस डेल्टा यू का वैल्यू है माइनस ऑफ दिस, तो माइनस डेल्टा यू का वैल्यू माइनस माइनस प्लस, तो के क्यू क्यू बाई टू ए। तो दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंटरनल फोर्स किसी सिस्टम का कितना काम किया, या किसी सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स कितना वर्क करना पड़ा।